रक्षा मंत्री ने कितना ढाई ढाई घंटा बोला ढाई घंटा बोला अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले नहीं आती मुझे नहीं आती नहीं आती तो अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला वो अपने खड़गे जी दिखाइए जरा अपना कागज उसमें लिखा है अनिल अंबानी जी का लिखा है नहीं वो अनिल अंबानी वाला डबल ए डबल ए वो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था ये नहीं ये वाला ये रिलायंस ये इसमें लिखा है अनिल अंबानी जी ने लिखा कि लार्जेस्ट ऑफसेट की ऑफसेट पार्टनर विद डेसॉल्ट वो 30,000 लार्जेस्ट ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी एस्टिमेटेड एट 1,00,000 करोड़ रुपीज वी हैव बीन गिवन एंड द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट मेंशन हिज नेम आपने उनका नाम तक नहीं लिया आपने एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का आपने नाम नहीं लिया क्यों नहीं लिया और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला किसने दिलवाया और आपने 2 घंटे बात की मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया बैठिए 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 अरे प्लीज बैठिए बोलो बोलो हमारा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट जी जी आप बोलिए दैट इज नॉट गोइंग ऑन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में जी जी अरे यार बैठो यार मैडम प्लीज अब ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया और जब L1 की सवाल आया उन्होंने जवाब नहीं दिया बट उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया HL को हटाया गया अनिल अंबानी को लाया गया तो हमारा मेन पहला सवाल था अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया हमने आपसे सवाल पूछा आपने हमें जवाब नहीं दिया दूसरा सवाल L1 जो UPA के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया पहली बिड में RFP में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था फुल कॉम्प्लीमेंट था और ये यहाँ लिखा है इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पायलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज कैलकुलेटेड एट बिलो तो आपने ये जवाब नहीं दिया आपने ये जवाब नहीं दिया ठीक है कि प्राइस कैसे बढ़ा तीसरा सवाल जो आपने बोला कि आप बोलते हैं तीसरा सवाल कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे आई एम सॉरी सी तो ये मेन सवाल थे अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है 2 मिनट में खत्म करता हूं मेरा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला कहा आपने कहा निर्मला जी अब मेरा सवाल है 8 साल की नेगोशिएशन 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे एयरफोर्स के चीफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए उनका सालों का काम था तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं मैं उनसे हां या ना का जवाब चाहता हूं यस और नो एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल व्हेन दिस बाईपास सर्जरी वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर डिड द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट
to this bypass surgery? Yeah. Did they ask the, did they make a statement or did they suggest to the defense minister, to anybody else, yes, that the prime minister should not be bypassing the defense establishment? Yeah. Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji, with a yes or a no? Thank you. Okay. Yeah.